अब हम पजामा की कटिंग करेंगे। ये कपड़ा डबल है, इसको हम एक बार और फोल्ड कर लेंगे। अब ये कपड़ा चार लेयर में हो गया है। ऊपर की साइड में हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे इलास्टिक डालने के लिए। अब इस निशान से नीचे की साइड में हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तैयार लंबाई चाहिए हमें 25 इंच की। इसमें हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे नीचे फोल्ड करने के लिए, तो 26 इंच पे हम निशान लगा देंगे। कमर के लिए निशान हम 7.5 इंच पे लगाएंगे और इस निशान से नीचे की साइड में हम आसन के लिए निशान लगाएंगे। आसन के लिए निशान हम 8.5 इंच पे लगाएंगे। इस निशान को सीधा कर लेंगे और इस निशान से आगे की साइड में हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इसमें हम गोलाई कर देंगे। मोहरी के लिए निशान हम 6.5 इंच पर लगाएंगे और एक निशान हम ऐसे लगा देंगे मोहरी तक। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं। इन पर्दों को हम ऐसे रख लेंगे, सीधी सीधी साइड एक साइड में होनी चाहिए इनकी। और सबसे पहले हम आसन जोड़ेंगे। ऐसे सिलाई लगा के हम आसन को जोड़ देंगे और इधर की साइड में सिलाई लगा के इधर के आसन को जोड़ देंगे। आसन जोड़ने के बाद हम मोहरी पे सिलाई लगाएंगे। इसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हम दूसरे पैर की मोहरी पर भी सिलाई लगा देंगे। इसको डबल फोल्ड करेंगे उल्टी साइड में और सिलाई लगा देंगे। मोहरी पर सिलाई लगाने के बाद हम नीचे की सिलाई लगाएंगे। इसको हम ऐसे रख लेंगे। यहाँ से इसको ऐसे पकड़ के और ऐसे सिलाई लगा देंगे पूरे पे। इस जगह पर सिलाई को पक्का कर लेंगे। अब हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। इसको पहले हम 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, इसके बाद इसको 1.5 इंच और फोल्ड करेंगे। और सिलाई लगा के हम बेल्ट तैयार कर लेंगे। ये मैंने बेल्ट तैयार कर दी है और ये थोड़ी सी जगह खुली छोड़ दी है इलास्टिक डालने के लिए। इलास्टिक डालने के बाद हम इस जगह को सिल देंगे। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक ली है मैंने 18 इंच लंबी। सेफ्टी पिन की सहायता से हम इसमें इलास्टिक डाल देंगे। इलास्टिक पर हम ऐसे सिलाई लगा देंगे। अब हम इस खुली हुई जगह को सिल देंगे। अब हम इलास्टिक के बीच में एक सिलाई लगाएंगे। उससे पहले हम इलास्टिक को 2-4 बार ऐसे कर लेंगे जिससे कि इलास्टिक के ऊपर कपड़ा बराबर हो जाए। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे।
और सिलाई लगाते टाइम हमें इलास्टिक को दोनों साइड से ऐसे खींचना है। अब हमारा पजामा बनके तैयार है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।